हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो YouTube चैनल है उसको कैसे रैंक करवाना है और नंबर वन पे लाना है। ठीक है ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे वीडियो की बात नहीं कर रहे, YouTube वीडियो को रैंक करने की बात नहीं कर रहे। YouTube वीडियो को रैंक कैसे करना है डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, हम चैनल को कैसे रैंक करेंगे और उसको कैसे सर्च रिजल्ट में लाएंगे उसके रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होने वाला है, एक एवरेज वीडियो होने वाला है लेंथ का, और वीडियो को पूरा देख लेना और कम टाइम देना है, बस 10-15 मिनट देना है, उसके बाद पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं टेक रिव्यू। जब भी मैंने चैनल नया बनाया तो मैंने पहले सोचा कि मेरा चैनल का नाम क्या दूं, तो मैंने सोचा टेक रिव्यूला दूं। टेक विला में बहुत बड़ा चैनल था, उसको बीट करना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का था, इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल लेकिन टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने टेक एक्सपोज देने की कोशिश किया, नहीं हुआ। उसके बाद मतलब एक फॉरेन में, मतलब अमेरिका या कहीं पे यार आउट ऑफ इंडिया में किसी ने एक टेक एक्सपोज करके चैनल बनाया हुआ था, तो उसमें टेक लिखा था, एक्स लेके पोज लिखा था बस। तो भाई मेरा चैनल तो वहीं पे रैंक भी नहीं कर पाएगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर होगा। तो टेक रिवील किया, नाम दिया, तो भाई बहुत अच्छा नाम था, लेकिन उसमें क्या है ना, टेक रिव्यू अच्छा नाम था और सब्सक्राइबर इतना ज्यादा नहीं था, तो मैं नंबर वन पे आया था। और मैं नंबर टू पे क्यों गया उसके रिलेटेड बात करेंगे एग्जांपल के साथ, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो केस स्टडी के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, देखो मान के चलिए मैंने जब नया आया तो मेरा चैनल बनाया, तो पहले मेरा सर्च रिजल्ट में नहीं आया, एक वीडियो अपलोड किया उसके बाद सर्च रिजल्ट पे आया, लेकिन लास्ट में आ रहा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये ऊपर उठने लगा, मतलब नंबर वन पे आ गया। उसके बाद कैसे, देखो देखो जितने भी सारे YouTube चैनल था उनका जो सब्सक्राइबर ज्यादा था और उनका व्यूज ज्यादा था, मेरा व्यूज जीरो था, तो उसमें से मैंने वीडियो अपलोड किया, धीरे धीरे व्यूज बढ़ने लगा, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ठीक है, जब भी वो ऊपर उठने लगा उसके बाद मैंने देखा कि वो पर्टिकुलर इंसान जिसमें बहुत सारे व्यूज था वो वीडियो मुझे देख के वो वीडियो डालना बंद किया था, उसने चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने मेरे को आके गाली देने लगा, क्यों भाई तू वीडियो रेगुलर बेसिस से डालने लगा है और तेरे को मतलब कितना सब्सक्राइबर मिल गया, अपना सब्सक्राइबर छुपा के बैठा है। मैंने भाई उसको कुछ नहीं बोला और गाली दे रहा था दूसरे बंदे को, मेरे ऊपर छोड़ मतलब दूसरे कुछ उसका कोई था आके मेरे को वो गाली दे रहा था। ठीक है, माँ बहन करके गाली दिया, पहले से उसने अच्छे से बोला कि भाई चैनल का नाम चेंज कर दो, तूने कॉपी किया है। भाई देखो मेरा दिमाग से आया, ये चैनल को कोई ओन नहीं करता। ठीक है, मेरा इच्छा हुआ, मैंने नाम दिया, तुम कौन होते हो। ठीक है, टेक्निकल गुरुजी भी सर्च करोगे बहुत सारे टेक्निकल गुरुजी मिलेगा, टेक्निकल विष्णु जी करोगे भाई बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे टेक रिवील में 10 या 12 मिला, 11 शायद मिला, तो मैंने सोचा कि इसको एक महीने के अंदर बीट कर दूंगा। एक महीने के एक हफ्ते में मैंने बीट कर दिया, नंबर वन पे हो गया था। अभी मैंने वीडियो डालना डिसकंटिन्यू कर दिया कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं नंबर टू पे आ रहा है और नंबर वन पे आ जाएगा, टेंशन मत लो, इसको मैं 10 दिन के अंदर नंबर वन पे लाऊंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कैसे लाऊंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन सही है। ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक रिव्यू जानबूझ के डाला हूं क्योंकि रैंक करेगा। उसके बाद चैनल का जो टैग से टैग मैंने अच्छे अच्छे टैग, ज्यादा टैग नहीं, अच्छे अच्छे टैग छोटा छोटा करके और टेक रिव्यू को प्रायोरिटी देके मैंने टैग दिया हूं। ठीक है, तो मेरा फोकस कीवर्ड है टेक रिव्यू, तो और मेरा जो नाम है उसको मैंने इंक्लूड किया हूँ मेरे चैनल पे। ठीक है, विष्णु प्रसाद महाभोई मैंने इंक्लूड किया हूँ मेरे चैनल पे जानबूझ के, क्योंकि इस चैनल का कोई अगर मेरा नाम सर्च करेगा तो इन फ्यूचर शायद मेरा चैनल आ जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने जानबूझ के दिया हूँ। ये धीरे धीरे करके नाम भी रैंक करने वाला है। ठीक है, ज्यादा रैंक करता है वीडियो पे, अगर वीडियो पे मैं अपना टाइटल के अंदर मेरा नाम का टैग दे दूंगा, नाम इंक्लूड कर दूंगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो दो वीडियो में व्लॉग बनाया था और व्लॉग 2 साल पुराना था, मैं उसमें रैंक करा मेरा चैनल का जो वीडियो था वो रैंक कर रहा है टेक्निकल। अगर आपने देखेंगे विष्णु प्रसाद महाभोई करके सर्च करेंगे तो भाई मेरा जो वीडियो है नंबर वन पे आ जाएगा। और अगर मेरा नाम आप गूगल में डालते हो तो भाई यूट्यूब का जो थंबनेल है कुछ दिखाएगा, उसके साथ साथ
जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो नंबर वन पे रैंक कर रहा है। मतलब यूट्यूब का डीएपीए तो बहुत ज्यादा है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतना जल्दी रैंक करता है मेरा वेबसाइट, उसके बाद रैंक करता है। वेबसाइट में जो इमेज मैंने अपना डाला तो वो बाद में आता है, लेकिन यूट्यूब में पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो टेक्निकल विष्णुजी डॉट कॉम है उसका डीएपीए यूट्यूब के अगर आप कंपेयर करेंगे उसके आसपास नहीं है। इसीलिए पहले मैंने जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका जो थंबनेल था वो धीरे धीरे करके यूट्यूब का मतलब गूगल सर्च में दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो टेक्निकल विष्णुजी डॉट कॉम में जो इमेज है वो उसके बाद में आता है। क्योंकि डीएपीए और रैंकिंग के हिसाब से देखोगे तो भाई यूट्यूब में नंबर वन में आ जाएगा। मेरा वेबसाइट का मतलब क्या है, औकात कुछ नहीं है, ठीक है। यूट्यूब को अगर कंपेयर करो, यूट्यूब एक बहुत बड़ा सर्च इंजिन है गूगल जैसा, मतलब जहाँ पे वीडियो सर्च लोग सर्च करते हैं, वीडियो मिलता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और हम बात करते हैं चैनल को कैसे हम रैंक करवाएंगे, ठीक है। हम कुछ चीजें बताया क्या करना है आप लोगों को, चैनल का डिस्क्रिप्शन देना, चैनल का कीवर्ड सेट करना अच्छे से और सही तरीका से, ठीक है। ज्यादा मत भर देना, कीवर्ड का जो जो ताकत है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसको कैसे बोल सकते हो, कीवर्ड का जो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ या कुछ अलग सा बोलना चाहिए, मान कर जो प्रायोरिटी है वो कम हो जाता है। अगर ज्यादा लिखोगे टेक रिव्यूल रिव्यूल टेक रिव्यूल टेक रिव्यूल हिंदी टेक रिव्यूल इंग्लिश, ऐसा नहीं लिखना है। टेक रिव्यूल वर्ड हो गया ना, कीवर्ड सेट कर दिया ना, तो सेट कर दिया, उसके बाद कुछ अलग लिखो, टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा करके देख लो, ठीक है। नहीं तो कैटेगरी के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत लिखना, मतलब ऐसा 10 या 6 5 7 टैग दे देना बस उतना। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भर देना, ऐसा मत करना, ठीक है, प्रायोरिटी कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्शन टैग और कैसे देते हैं मैंने बता दिया, और जो सबसे ज्यादा मैटर करता है जो आपके चैनल को ऊपर लाने के लिए, तो वो होता है आपको रेगुलर बेसिस में 1 या 2 वीडियो, नहीं तो 2 दिन में 1 वीडियो या 2 वीडियो अपलोड करना है डेली बेसिस में, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, जो कि एक्चुअल में चाहिए आप लोगों को। मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ दिया तो मेरा नीचे आ गया, अभी मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो मेरा गांव है ना, मैं रेगुलर बेसिस से हर महीने 1 दिन आऊंगा, 1 दिन में 30 वीडियो बना के चला जाऊंगा, ठीक है। मेरे को वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, 1 दिन में 30 वीडियो बना दूंगा, महीना चला जाएगा मेरा, ठीक है। और वीडियो बनाने के लिए मुझे भाई मैं कटवट नहीं लगाता, एक ही बार में बोल देता हूँ, एक ही बार अपलोड मारता हूँ, ठीक है। मैं जब भी मेरा घर में बनाता हूँ, जहाँ पे मैं मतलब रेंट पे रह रहा हूँ, बहुत छोटा सा घर है, वहां पे क्या होता है ना, मेरे को वीडियो बनाने के टाइम पे बहुत हल्ला मचाते हैं बाहर में, मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ और मेरा फोकस हट जाता है, तो मैं डर डर के वहां पे वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो इतना अच्छा नहीं रह सकता है। अगर आप कंपेयर करोगे इस वीडियो के साथ कोई अलग वीडियो, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई दूंगा उस वीडियो से अगर कंपेयर करोगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई नहीं है, अच्छा जगह है, मतलब सुनसान है, लोनली प्लेस है, आके वीडियो बना दिया, ठीक है, अच्छा रहता है यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू में अभी क्या बताया, अभी मैंने बता दिया ना कैसे आपको ऊपर लाना है, तो ऐसे करके आपका चैनल को आप रैंक कर सकते हो, आप सर्च रिजल्ट में ला सकते हो। उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हमारा जो वीडियो है उसको कैसे उसका एसईओ करेंगे। ये तो था चैनल का एसईओ। एसईओ का अगर फुल फॉर्म आप लोगों को पता नहीं है, एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे कैसे कीवर्ड सेट करके कैसे आपका यूट्यूब चैनल को आप ऑप्टिमाइज करेंगे, तभी वो आके आपका जो चैनल नंबर वन पे रैंक करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना, और सर्च इंजिन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, जैसे कि नंबर वन पे आएगा, उसको बोलते हैं एसईओ, जो हर जगह पे अप्लाई होता है। आप यूट्यूब में भी एसईओ होता है, वेबसाइट में भी एसईओ होता है, ब्लॉगिंग जो करते हैं उसमें भी एसईओ होता है, आर्टिकल के अंदर एसईओ आप करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो। कैसे ऑप्टिमाइज करते हो अपने आर्टिकल को, जैसे कि वो गूगल सर्च रिजल्ट में नंबर वन पेज में आएगा, नंबर टू में आएगा, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्यादा व्यूज नहीं मिलेगा। हम इसके बाद बहुत सारे रिसर्च करने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, आज अगले साल अगले महीने आऊंगा, पूरा गूगल गूगल एडसेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, और उसके साथ साथ मैंने ऐसे सर्च इंजिन को उठा के बहुत सारे रिसर्च करके रहूंगा, 1 महीने के अंदर रखूंगा, उसके बाद यहाँ पे आके बोल दूंगा, ठीक है। ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलूंगा तो भाई आप लोगों को अच्छा लगेगा, वहां पे रहूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता वीडियो इतना,
इसके इसको अगर कंपेयर करते हो तो ठीक है। तो मैंने पूरा वीडियो बना दिया, मुझे आशा है कि भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार लाइक नहीं करते हो ना, बहुत बुरा लगता है, क्यों? देखो लाइक में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इमेच्योर नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है लाइक रहता है तो, और कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी लोगों को पता है मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। अगर उसका स्क्रीनशॉट देना है आप लोगों को इंस्टाग्राम में दे देना, व्हाट्सएप नंबर मत मांगना, इंस्टाग्राम में कभी भी वीडियो मत कॉल मत करना, ठीक है? बाकी सब चलता है, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।